हाँ देखिए, जीजीआईसी में आज हमने एक कार्यक्रम जो आयोजित किया है, ये हमारा एक दिवसीय नियमित शिविर के अंतर्गत है, जिसमें हमने अभिग्रहित महलिन बस्ती में जाके लोगों को जागरूक किया था। और इस बार जो हमने ये शिविर रखा है, इसमें हमने बच्चों से पोस्टर बनवाए हैं और ग्रीटिंग कार्ड बनवाए हैं, जो कि गांधीवादी विचारधारा के ऊपर हैं। और गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमने बच्चों से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अंतर्गत ग्रीटिंग कार्ड बनवाए हैं और पोस्टर बनवाए हैं। और अभी हमारे बीच एक इतनी बड़ी शख्सियत मौजूद है, जिनका आज हम अपने विद्यालय में स्वागत कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच 93 वर्षीय गांधीवादी विचारधारा के श्री अमरनाथ जी उपस्थित हैं, जो कि बनारस से आए हैं। और एक हमारे बीच हैं स्मृति जी, और दूसरे हैं श्री सिद्धार्थ जी, जो कि एक घुमक्कड़ हैं और साहित्यकार हैं। और वो ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखते हैं, जो भी बच्चा उन्हें घूमता हुआ मिल जाता है कहीं भी, जो पढ़ता लिखता नहीं है, या किसी के भी जीवन पे कोई ऐसी कहानी उन्हें मिलती है, तो वो उसे अपने साहित्य में उतार देते हैं। और जो स्मृति जी हमारे बीच हैं, वो 22,000 किलोमीटर वो चल कर आई हैं, और वो भी इस तरह की काम कर रही हैं, जिसकी वजह से हमने उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया है। तो आप देख रहे हैं सारे बच्चे कितने उत्साहित हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक 93 साल के बुज़ुर्ग, जो आज भी अपने आप को युवा कहते हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। तो उनका जो मार्गदर्शन हमारे बीच होगा, ये एक बहुत ही प्रभावशाली साबित होने वाला है। और हमारे बीच राज नारायण जी उपस्थित हैं, विकल्प संस्था से हैं आप, और श्री नईम अहमद जी हैं, जो कि मंडलीय क्रीड़ा सचिव हैं, वो बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, उनका हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारी प्रधानाचार्य अनुपाराशरी हमारे बीच उपस्थित हैं, और यही कार्यक्रम आज हमारा पूरे दिन का है। तो इस कार्यक्रम में जो अतिथि हैं, वो विशेष तौर से यहाँ पर आए हैं? जी हाँ, विशेष तौर से वो मतलब हमारे बीच उपस्थित हैं। हमने उन्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि वो बच्चों को एक सही दिशा प्रदान करें। उनका जो मोटिव है, देश में जो युवा भटक रहा है, वो भटके ना, सही दिशा में चले, तो उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए हमने उन्हें अपने बीच आमंत्रित किया है। और उनके जो अनुभव हैं, उन्होंने स्वयं गांधी जी को देखा है, तो ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि एक ऐसे शख्स को हम मिल रहे हैं जिन्होंने स्वयं गांधी जी को देखा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए हमारे बीच आज वो उपस्थित हैं। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? मुझे तो लोग अमरनाथ भाई कहते हैं। आज आप यहाँ पर बरेली में स्थित हैं, बच्चों के बीच क्या कहना चाहते हैं आप? बच्चों के बीच आज के देश की सामाजिक परिस्थिति जो है, बच्चों के जीवन का शिक्षा संबंध है, उनके बारे में इनसे बात करना चाहते हैं। बच्चों का भविष्य किस तरह से आज की परिस्थिति में है, उसके बारे में उनसे बात करना चाहते हैं। आज का समाज किस तरह का बन रहा है, बच्चे अपने लायक कैसा समाज बनाना चाहते हैं, उस बारे में उनसे बात करना चाहते हैं। जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मेरा मानना है कि गांधी जी पूरी दुनिया का जो संकट है, उस संकट का विकल्प प्रस्तुत किया दुनिया में जो है। और जब मैं गांधी कहता हूँ, तो गांधी अकेले नहीं हैं, मानववादी दार्शनिक दुनिया के जितने भी हैं, रूसो हैं, थोरो हैं, क्रपेटकिन हैं, रस्किन हैं, टालस्टाय हैं, रोमारोला हैं, इन सारे मानववादी दार्शनिकों ने एक ही दिशा में सोचा। इतना ही फर्क है कि इन लोगों ने कुछ सोचा तो विज्ञान के परिणाम स्वरूप जो कुछ होने वाले की संभावना दिख रही थी, उसके बारे में तो लोगों को आगाह किया, और उसका विकल्प भी कुछ सुझाने की कोशिश की। गांधी ने संपूर्ण पूरी व्यवस्था का एक चित्र प्रस्तुत किया, और उन्होंने पश्चिमी सभ्यता का विकल्प प्रस्तुत किया। 1909 में उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी, हिंद स्वराज्य। हिंद स्वराज्य में यही है कि आज का जो पश्चिम से आया हुआ सभ्यता संस्कृति विकास का मॉडल है, उसका किस तरह से एक भारत में एक नया प्रयोग, नए विकास के मॉडल, नई समाज व्यवस्था का बना करके दुनिया के साथ कहा जा सके कि भाई देखिए, हमने कैसा समाज भारत में बनाया है, आप भी संकट से बचना चाहते हो तो अपने परिवेश में जितना भी आपको संशोधन परिवर्धन करना हो, करके आप भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। दो बातें होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है निगेटिव, एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। सकारात्मक है विचार, और नकारात्मक है परिस्थिति का दबाव, कंपल्सन ऑफ सिचुएशन। तो गांधी जी का विचार, जो परिस्थिति विपरीत जाती हुई दिख रही है,
उतनी ही अनुकूल दिख रही है हम लोगों को कि जब कोई विकल्प नहीं रहेगा सामने जो है, तो गांधी विचार उस परिस्थिति में, गांधी विचार ही है जिसके बारे में दुनिया देख रही है कि गांधी की तरफ से, भारत की तरफ से कुछ विकल्प सामने पेश प्रस्तुत होगा जो है। मेरा नाम सिद्धार्थ मास्केरी है और जन्म हुआ मुंबई में, लेकिन गांव है कर्नाटक में, और पिछले 20 साल से कहानियाँ लिख रहा हूँ। और मुंबई में जैसे शिक्षा हुई, उसके बाद कहानियाँ लिख के उसको फिल्म बनाने में काम किए। एनिमेशन जो माध्यम है, मतलब कार्टून्स जिसे बोलते हैं, उस वो खुद से सीखा, और उसमें प्रयोग करते करते अलग अलग फिल्म बनाए। लेकिन 20 साल के करियर के बाद ये समझ में आया कि हम जो काम कर रहे थे वो नाम के लिए और पैसे के लिए कर रहे थे, और जिस उद्देश्य से इसे हम शुरू किए थे सीखना, वो ये था कि हमें कहानी के द्वारा खुशियाँ बांटनी थी, और कहीं ना कहीं भटक गए। तो हम सोचे कि फिर से उस रास्ते पे आते हैं जिसके द्वारा हम खुशियाँ बांट पाए फिर से। और खुशियाँ बांटने का अर्थ ये है कि हमें मिलके पहले दुख को बांटना पड़ेगा, क्योंकि जब दुख बांटेंगे तब हमारी दुख कम हो जाएगी। और आज के समाज में ऐसा परिस्थिति हो गया है कि हम मिलके अपने दुख बांटते नहीं हैं, क्योंकि हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। तो हम सोचे कि हम कैसे ऐसे एक माहौल तैयार कर सकें जहाँ पे हम दोस्त सब मिले, साथी मिले, और हम अपनी कहानी बता पाए। क्योंकि ये जीवन जो हमें मिला है, जब हम इसको छोड़ के जाएंगे तब हम एक सुंदर सी कहानी ही छोड़ के जाएंगे, और क्या कहानी हमें जी के जाना है वही हमारे पास हाथ में है, और उतना समय है। इन बच्चों का संदेश देना चाहिए, कहानी से संबंधित का संदेश देना चाहिए, ये कि हर इंसान जो सपने देख रहा है और संघर्ष कर रहा है, वो अपने कहानी का हीरो है। क्योंकि वो संघर्ष कर रहा है, क्योंकि चुनौतियों के सामना कर रहा है, वो विक्टिम नहीं है। ज़रूर दर्द हो रहे हैं, लेकिन जब तक सपने जीवित हैं तब तक हम हीरो हैं।